मुरादाबाद की धरती पर रहने वाले कुछ फिरका परस्त लोग भले ही हिंदू मुसलमानों को अलग अलग बांटने की फिराक में रहते हों, लेकिन ईश्वर की इसके पीछे मंशा साफ नजर आ रही है। जो इंसान धरती की गोद में जीवन जी रहे हैं, उनमें हमेशा एक दूसरे के लिए प्यार मोहब्बत इसी तरह बनी रहे। ये संयोग नहीं बल्कि विधाता की ही देन है कि पहले होली और शबे बारात एक ही दिन मनाई गई और अब रमजान और नवरात्रों की तैयारियों में लोग जुट गए हैं। बाजारगंज गुरहत्ती पर सजी दुकानों पर नवरात्रों की जहां तैयारियों को लेकर कुछ महिलाएं खरीदारी कर रही हैं, तो वहीं मुस्लिम इलाकों में पहले रोजे की तैयारियों को लेकर खजला फैनी बनने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बाजारों में प्रवेश करते ही पता लग जाता है कि अब कौन सा त्योहार आने वाला है। माँ की चुनरी से लेकर सजावट का सभी सामान दुकानों के सामने लगा दिया गया है, जिससे ये पता चलता है कि नवरात्रों की शुरुआत हो चुकी है। इसके अलावा मुस्लिम इलाकों में जगह जगह खजला व फेनी हलवाइयों की दुकानों पर अधिक मात्रा में बनाई जा रही है, क्योंकि सुबह सहरी के वक्त खजला फेनी खाने से दिन में भूख नहीं लगती है, इसलिए लोग अधिकतर खजला फेनी ही सहरी में ज्यादा इस्तेमाल करते हैं।